अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रहमान, एम आर एजुकेशन अकेडमी से। आज हम बेंच मार्क के बारे में पढ़ेंगे, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। चलिए सब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। Alt W press, इसको कुछ ऐसे कर लेता हूँ मैं। इसके सेगमेंट दे देता हूँ यहाँ पे मैं 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे फाइल देता हूँ 45। फोर्सेस के मैंने शो करवा रही है सेगमेंट्स। इसके बाद क्या हमें करना है, मॉडिफाई लिस्ट में जाना है। यहाँ पे बैंड कमांड, बैंड आ गया। देख सकते हैं आप स्क्रीन में जो कॉर्नर्स है उस पे येलो कलर की एक लाइन आ गई है। इसमें मतलब हमारी जो कमांड है वो ऑन हो गई है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये पैरामीटर्स आ गए इसके। ये एंगल है, ये डायरेक्शन है, ये बैंड एक्सिस है एक्स वाई जेड, और ये लिमिट्स है, लिमिट्स इफेक्ट। तो यहाँ पे मैं एंगल चेंज करता हूँ इसका। और ये हमारे डायरेक्शन से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसकी। और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इस तरह होगा एक्स एक्सिस में। टैक्सेस ये लिमिट्स इफेक्ट है यहाँ पे, ये मैं ऑन करा दिया। तो आप देख सकते हैं ये पर लिमिट क्या है और इसकी, और लोअर लिमिट सेट कर सकते हैं यहाँ से आप। ये लोअर लिमिट है, इसको माफ करा देता हूँ यहाँ पे। और अगर हम ये मैंने सेगमेंट दिए, अगर मैं इसको सेगमेंट ना दूँ तो फिर कैसे होगा ये हमारा? तो देखो हम यहाँ पर, मैं बॉक्स पे जाऊँगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा जो। तो ये हमने क्या कहा, 40 12, यहाँ पे भी 12, मैं पढ़ ले जाऊंगा यहाँ से। मैंने यहाँ पे 90 दे दिया इसका। 90 ये कहाँ से क्लियर है हमारा, ये सिलेक्ट होगा कैसे पता चलेगा ये हमारा 90 है। हार्ड भी प्रेस, इसको हार्ड भी प्रेस करें, ये हमारा यहाँ से यहाँ काउंट होगा 90 का, क्या हमारा यहाँ से यहाँ 90 का।
यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 90 का जो है हमारा वो काउंट होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरा चैनल एम आर एजुकेशन अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।